हाय फ्रेंड, वेलकम टू मोबाइल इशू सॉल्यूशन। फ्रेंड, मेरे पास एक मोबाइल है जो सैमसंग कंपनी का है और उसका मॉडल नंबर है G610F। इधर आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहले वीडियो में मैं बताया आपको उसका सॉफ्टवेयर कैसे करना है, अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसका FRP कैसे रिमूव करना है। और FRP रिमूव करने के लिए बहुत सारा तरीका है। अभी मैं UMT डोंगल है, UMT डोंगल का माध्यम से एकदम आसानी से उसको FRP रिमूव कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं हम लैपटॉप में। तो सबसे पहले मैं UMT डोंगल को कनेक्ट कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में पूरा कैमरा को सेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, जो अल्टीमेट UMT डोंगल का एक सेटअप है, अल्टीमेट FRP, उसको ओपन कर देना है, ठीक है। और मोबाइल को डाउनलोड मोड में लेकर जाने के लिए मैं FRP हाईजेकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब भी ऐसे मेरा वॉल्यूम डाउन प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं मोबाइल को कनेक्ट कर दिया। अभी FRP हाईजेकर में उसको स्कैन करता हूँ, ड्राइवर शो हुआ या नहीं हुआ। डाउनलोड मोड उसमें क्लिक कर दिया। अभी देख सकते हो कुछ ही सेकंड में मेरा मोबाइल डाउनलोड मोड में चला जाएगा, ठीक है। मेरा मोबाइल डाउनलोड मोड में चला गया। मैं केबल को निकल के और टूल को ऑफ कर देता हूँ। और इधर आप देख सकते हो जो सैमसंग का FRP अल्टीमेट FRP टूल जो है वो ओपन हो गया। और उसको अभी पहले क्या करते थे, ब्रांड में सैमसंग सिलेक्ट कर देते हैं। इधर मैं सैमसंग सिलेक्ट कर दिया। और नीचे में आप क्या करना है, उसका जो बैक साइड में जो मॉडल नंबर है G610F, उसको इधर सर्च करके देना है। G610F। तो मैं देख रहा हूँ इधर, ये मिल गया मेरे को G610F, ठीक है। अब मोबाइल को क्या करना है, आपको सीधा केबल से कनेक्ट कर देना है, कुछ इस तरह से। कनेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ रीसेट FRP में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं रीसेट FRP में क्लिक कर दिया। अभी देखते हैं, ये देखिए हमारा जो FRP है वो रिमूव हो गया, ठीक है। 2-3 सेकंड में FRP रिमूव हो गया। तो अभी केबल को निकाल लेते हैं और कैमरा को मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। और फ्रेंड, एक बात है, जिन लोगों मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने का मतलब ये है, कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। और फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। FRP निकालने के लिए बहुत सारा तरीके अलग अलग है। तो अगर आपके पास UMT डोंगल है तो आप आसानी से इस तरह से निकल सकते हैं। अगर UMT डोंगल नहीं है तो फ्री टूल से कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश करके भी उसको हो जाता है। फिर बाईपास भी बहुत सारा तरीका है FRP निकालने के लिए, फ्री टूल भी है।
थोड़ा टाइम चाहिए फ्रेंड उसको ऑन होने के लिए, 1.5 मिनट। तो मैं थोड़ा वीडियो को हॉल्ड कर देता हूँ। इमाम ये देखिए मेरा देखिए अभी जो उसका FRP था FRP चला गया। तो हमको क्या करना है, अभी सेटिंग में जाना है। मैं सेटिंग में गया, अबाउट फंड में जाना है, उधर भी गया। उसके बाद में सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, ये बिन नंबर है उसको बस 6-7 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में फ़ोन रिस्टार्ट करके आपको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।